दोस्तों अगर आप भी सचिन तेंदुलकर के फैन हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस के खिलाफ कैसे हैदराबाद की टीम ने बेईमानी कर जीता मुकाबला, तो इस पर क्या बोले सचिन तेंदुलकर वो तो आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी क्या मानते हो कि आपके अनुसार रोहित और टिम डेविड में से कौन है एक अच्छा खिलाड़ी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2022 का 65वां मुकाबला दो धुरंधर टीमों के बीच में खेला गया। एक तरफ जहां हैदराबाद की टीम थी तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम थी। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए और मुंबई की टीम को लक्ष्य मिला 194 रनों का। हालांकि दोस्तों 194 रन बना पाना मुंबई इंडियंस की टीम के लिए शुरुआती कुछ ओवरों में तो ज्यादा बड़ी बात लग नहीं रही थी, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम को कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ने काफी अच्छी शुरुआत करवा दी थी। हालांकि दोस्तों इस दौरान हर किसी को उम्मीद थी मुंबई इंडियंस से कि ये मुकाबला मुंबई की टीम बड़ी आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि 18वें ओवर में जिस तरह से टिम डेविड ने बल्लेबाजी की और टी नटराजन के एक ही ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रदर्शन दिखाते हुए 4 बड़े छक्के जड़ डाले, उनकी बल्लेबाजी देखकर तो ये पक्का हो ही चुका था कि ये मुकाबला मुंबई इंडियंस की टीम के पक्ष में ही जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता रहा वैसे ही वैसे मुंबई इंडियंस की टीम की हार सुनिश्चित होती रही, क्योंकि यहाँ पर टिम डेविड इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो कर पाने में कामयाबी पा सके लेकिन वो टीम को अंतिम ओवर तक ले जाकर जितवा नहीं पाए, तो इसी वजह से मुंबई की टीम इस मैच को 3 रनों से हार गई। हालांकि दोस्तों इस दौरान टिम डेविड को जब रन आउट किया गया था तो उस पर अब सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान सामने निकल कर आया, जहां पर कोच सचिन तेंदुलकर ने कुछ ऐसा कहकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी है। जी हां दोस्तों, यहां पर सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैं मानता हूं कि इस साल हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन हमारे टीम के खिलाड़ियों ने कोशिश भरपूर की है और उनकी कोशिश देखने के बाद हमारा टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश है। हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हमने इस साल चुने थे जिन पर हमें लंबे समय तक काम करना है और उन खिलाड़ियों को अभी इन मुकाबलों से सीख लेनी होगी और हारे हुए मैचों को कैसे जीत में तब्दील करना है ये उनको सीखना होगा। मैं मानता हूं कि कैरन पोलार्ड का एक अच्छा रिप्लेसमेंट हम सभी को मिल चुका है, जहां पर टिम डेविड उनका शानदार रिप्लेसमेंट है और वो दमखम रखते हैं कि वो अंतिम ओवर में ले जाकर मैचों को हमें जितवा कर दें। हालांकि टिम डेविड एक नए बल्लेबाज हैं, अभी उन्हें आईपीएल का ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं और टिम डेविड आज रन आउट जिस तरह से हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हद तक उन्हीं की गलती थी, वो अपनी गलती के चलते तभी बाहर चले गए थे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे होने वाले मैचेस में टिम डेविड जरूर हम सभी को एक अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और अगली साल टिम डेविड का ही होगा। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर सचिन तेंदुलकर ने बड़ा बयान देकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया टिम डेविड के ऊपर ऐसा कहकर। बाकी अब आप सभी को क्या लगता है कि सचिन तेंदुलकर सही कह रहे हैं फिर गलत? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।